हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं लेकर आई हूँ डहेलिया बल्ब के ऊपर वीडियो। तो उसको हमने कैसे ग्रो करना है तो वो सब इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो मैं मेरे गार्डन में बल्ब लगा ही रही थी क्योंकि अब टाइम आ गया है, विंटर फ्लावरिंग प्लांट है डहेलिया, तो हमें उसको बल्ब से भी ग्रो कर सकते हैं और हम उसको कटिंग से भी ईजिली ग्रो कर सकते हैं इस टाइम पर। तो मेरे पास तो बल्ब है और प्लांट भी है, मैंने कटिंग लगाई भी है, वो ग्रो भी हो गई है। तो मैं अभी बल्ब लगा रही थी दोस्तों, तो मैंने सोचा आपके साथ भी मैं शेयर कर दूं कि किस तरह से बल्ब को लगाया जाता है ताकि वो हमें विंटर में अच्छी फ्लावरिंग दे और अच्छे से ग्रो भी हो जाए। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं वीडियो में। तो बहुत ही प्यारे प्यारे फूल खिले हैं गार्डन में, ये देखिए बोगनविला में भी कितना अच्छा कलर है इसका, ऑरेंज और पिंक कलर बहुत ही सुंदर लगता है। गुच्छों में फ्लावरिंग हो रखी है इसमें। तो ये देखिए मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ पर ये देखिए कितना बड़ा इसका बंच बना हुआ है। ये देखें, ये बाहर की तरफ निकला हुआ है। तो ये देखिए गुड़ैल में तो रोज़ ही फ्लावर खिल रखे हैं। ये देखें कितने प्यारे प्यारे फ्लावर इसके डबल पैटर्न के, बहुत सुंदर लगते हैं और बहुत तेज़ हवा भी चल रही है। देखिए कितने अच्छे से लहरा रहे हैं, बहुत सुंदर लगते हैं जब हवा चलती है। ठंडा ठंडा मौसम भी हो रहा है हमारे यहाँ पर, तो गुड़ैल में तो बहुत सारे फ्लावर खिलते रहते हैं रोज़ ही। तो ये देखिए 4 o'clock में सुबह का टाइम है थोड़ा, तो खिले हुए हैं, धूप नहीं है इसलिए ये थोड़े थोड़े खिले हुए हैं, बंद होने लग गए हैं। ये देखें, तो ये देखिए दोस्तों, ये हैं बल्ब डहेलिया के जो मैंने लास्ट ईयर मेरे गार्डन से सेव किए थे। और इनको जब मैंने लगाया था, कटिंग मैंने इनकी लगाई थी और फिर जब प्लांट हमारे फ्लावरिंग के बाद जब इनका मौसम जाता है तो इस तरह से ये जब प्लांट मैच्योर होता है, हेल्दी होता है जब, तो इस तरह से इसमें बल्ब बन जाते हैं। कटिंग से भी हम लगाते हैं उनमें भी, तो ये देखें कितने हेल्दी से बल्ब हैं सारे ही। तो इस टाइम पे हम डहेलिया के बल्ब ग्रो कर सकते हैं दोस्तों। तो मैं भी अपने गार्डन में ग्रो कर ही रही थी तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर करूं। तो ये देखिए जब भी आप बल्ब लेकर आएँ तो बिल्कुल हेल्दी सा हो इस तरह का। ये देखें तो अलग अलग कलर के अलग अलग साइज़ होता है। तो ये देखिए एक छोटा भी है, ये ऑरेंज कलर या फिर येल्लो कलर इस तरह का है। तो जैसे पर्पल कलर होते हैं वो ज़्यादा हैवी बल्ब मिलता है उनका, मैंने देखा है मेरे गार्डन में जो भी पर्पल कलर के हैं तो उसमें पैटर्न आते हैं, पर्पल वाइट, पर्पल डार्क, पर्पल लाइट, तो इस तरह से कलर होते हैं इनमें। तो ये देखिए हैवी से बल्ब हैं इसके, ये भी अलग कलर है। तो ये सारे कलर अलग हैं, अलग अलग हैं। तो इस तरह से मैं देखिए इनको लगाने से पहले आप फंगीसाइड में के पानी में डाल सकते हैं, थोड़ी देर मैंने नहीं डाला है, मेरे पास फंगीसाइड थोड़ा ही था तो मैंने सोचा इसकी मिट्टी में मैं डाल दूँगी। तो इसको ना क्लीन कर लीजिए, ये जो सूखी सूखी रूट्स हैं इनमें तो इनको बिल्कुल हटा दीजिए क्योंकि ये बिल्कुल ख़राब हैं, डेड हैं ये। तो ये देखिए मैंने क्लीन कर लिया है, इसमें से कोई थोड़ा बहुत रह रहा है। देखिए इस तरह से हमने क्लीन कर लेना है, ज़बरदस्ती नहीं हटाना है, जो आसानी से हट जाए उन्हें ही हटाना है, नहीं तो क्या पता बल्ब में कुछ दिक्कत हो जाए। तो ये देखिए इस तरह से, तो इसकी मिट्टी हमने बिल्कुल वेल ड्रेन बनानी है दोस्तों। बल्ब है ये तो पानी नहीं ठहरना चाहिए क्योंकि बल्ब में अगर बल्ब वाले प्लांट की मिट्टी में अगर पानी ठहरता है तो हमारा ख़राब हो सकता है बल्ब। तो इस तरह से वेल ड्रेन मिट्टी बनानी है इसकी। तो इसमें मैंने एक भाग मिट्टी ली है और एक भाग इसमें मैंने वर्मी कंपोस्ट, चाहो तो आप गोबर की खाद भी ले सकते हो। तो मेरा वर्मी कंपोस्ट और गोबर खाद दोनों ही है, एक एक हिस्सा। तो एक हिस्सा खाद, एक हिस्सा इसमें मिट्टी और एक इसमें रिवर सैंड। तो ये तीन हिस्से हमने लेने हैं, मैंने अभी बस यही डाला है और थोड़ी सी नीम खली डाली है एक मुट्ठी के बराबर। और इसमें अब मैं डाल दूँगी यहाँ पर फंगीसाइड इस तरह से। यहाँ मुझे बल्ब रखना है तो मुझे ये देखिए इस तरह से हमने फंगीसाइड डाल देना है और बल्ब को बस एज इट इज़ हमने रख देना। ये देखिए इस तरह से इसका ये हिस्सा आप देख लीजिए, यहाँ से प्लांट पहले ग्रो हुआ था तो ये हिस्सा ऊपर ही रखना है हमने, ये ध्यान रखना है। तो इसको हम मिट्टी में रख देंगे बस ऐसे ही। तो मिट्टी जो है बिल्कुल वेल ड्रेन होनी चाहिए और धूप लगाई होनी चाहिए, कोई फंगस वगैरह नहीं होगा ताकि उसमें। तो मैंने ये पहले से ही रेडी करी हो क्योंकि ये देखिए मैं रोज़ ही थोड़ा थोड़ा काम करती रहती हूँ मेरे गार्डन में, मिट्टी को सुखाती रहती हूँ क्योंकि बहुत सारे पॉट हैं तो सबकी मिट्टी मुझे निकाल कर सुखानी होती है। तो इस तरह से बस हमने इसको लगा देना है और मिट्टी से बिल्कुल कवर कर देना है, ये हिस्सा बिल्कुल ऊपर छोड़ना है थोड़ा सा बस, और कुछ नहीं। ये देखें तो बिल्कुल हमने इसको मिट्टी में ढक देना है और इसको पानी दे देना है, ज़्यादा पानी नहीं देना है, जब इसकी मिट्टी सूखी दिखे तभी इसमें पानी देना है दोबारा से, नहीं तो आपका जो बल्ब है वो गल सकता है। तो हमने कम कम पानी देना है, ज़्यादा भर के भी नहीं देना, बिल्कुल बस मिट्टी को मॉइस्ट रखना है, इससे ज़्यादा पानी नहीं देना है, नहीं तो बल्ब ख़राब हो जाएगा आपका। तो आप इस टाइम पे नर्सरी से आप बल्ब ला सकते हो, नर्सरी में इस टाइम बल्ब अवेलेबल होने लग गए हैं, जो भी बल्बस प्लांट हैं सभी के विंटर प्लांट्स के। तो आप चाहो तो बाद में कटिंग भी ला सकते हो, कटिंग से भी बहुत ही अच्छे से ये रेडी हो जाता है। अगर आपके पास ओल्ड प्लांट है तो उससे भी आप कटिंग लगा सकते हैं। तो इस तरह से आप
डहलिया प्लांट को ग्रो कर सकते हैं अपने गार्डन में। और ये विंटर फ्लावरिंग प्लांट होता है, परमानेंट होता है दोस्तों ये वैसे तो, अगर आप इसकी थोड़ी केयर कर लेते हो तो ये हमारे पास, हमें बल्ब निकाल कर रखने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। तो मैं दिखा दूँ आपके कि मेरे पास पहले का एक प्लांट है, तो मैंने वो छोड़ दिया था, वो उसका बल्ब मैंने निकाला नहीं। तो ये देखिए, ये मेरा बल्ब मैंने छोड़ ही दिया था, इसको मैंने नहीं निकाला था। तो ये देखिए कितना हेल्दी सा है ये प्लांट भी, ये देखिए, और इसमें कई सारे ब्रांच निकले हुए हैं। तो इनको मैं कटिंग लगाऊंगी इनकी और प्लांट बनाऊंगी। देखिए यहाँ से मैंने एक लगाई थी कट करके, तो ये देखिए दो प्लांट मेरे इसमें से दो ब्रांच निकली हैं। तो ये घना भी हो जाता है और हमें और प्लांट भी मिल जाते हैं। तो अगर आपके पास ओल्ड प्लांट है तो कटिंग से भी लगा सकते हो। वो बहुत ज़्यादा तेज़ हवाएँ चल रही हैं, ये देखिए, और तेज़ हवाएँ चलती हैं तो अच्छा भी लगता है। प्लांट ऐसा लगता है खुश हो रखे हैं, बहुत ज़्यादा खुशी इनको मिल रही है क्योंकि मौसम ठंडा ठंडा है। तो इसमें बहुत ही अच्छा लगता है जब हम गार्डन में आते हैं। तो बस दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना, और मेरे चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करना। बाय दोस्तों।